22 अगस्त से 26 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम अपनी फ्रांस की यात्रा के दौरान बियात्रेज में 45वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को फ्रांस पहुंचेंगे और शाम को ही उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक होगी और दोनों नेताओं के बीच अपने आपसी बैठक होगी और फिर शिष्टमंडल स्तर की बैठक होगी। इसके बाद मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद मोदी एयर इंडिया के दो विमान हादसों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी देंगे और जानकारी के मुताबिक मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाली चर्चा में रक्षा सहयोग काफी अहम है। दोनों देशों के बीच रक्षा, नौवहन क्षेत्र, अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। फ्रांस के साथ जैतापुर परमाणु संयंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने और देश खासतौर पर अफ्रीका में इसे आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।